फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीत गौरी है और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, न्यू जॉब्स आई हैं टीचिंग की, जेईएसटी की और एचएसटी की जॉब्स, और इसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो जो भी नए हैं हमारे देखने वाले, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसमें क्योंकि मैं तकरीबन पूरा गाइड करूंगा कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते, और ये भी जो है वो आईबीए के थ्रू आई है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो देख सकते हैं इस वक्त आपके सामने पिक्चर है, लिखा हुआ है सिंध टीचिंग जॉब्स 2022, और ये आई है सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन SRSO में। ठीक है, सिंध में टीचिंग जॉब्स एक बार फिर और ऑनलाइन अप्लाई, इसमें तरीका वगैरह सब बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है, देख सकते हैं लिखा हुआ है करियर अपॉर्चुनिटीज है। सिंध रूरल SRSO इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन, ये सारे इनके चूरन लिखे हुए। उसके बाद जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशंस में लिखा हुआ स्कूल प्रिंसिपल की आई हुई, जिसमें मास्टर्स मांगा हुआ है या तो बैचलर्स डिग्री हो 16 साल की, ठीक है ना, जिसने 16 साल की तालीम की हुई हो, लाइक किसी ने इंजीनियरिंग करी हुई है या 16 साल की कोई बैचलर की हुई है, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, मास्टर या 16 साल की तालीम हो, जो HSC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। और एक्सपीरियंस इसमें 2 साल का मांगा हुआ है, आप में देख सकते हैं रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, आपने कहीं प्राइवेट स्कूल के अंदर एक्सपीरियंस किया हुआ हो 2 साल का, या कंप्यूटर आपको आता हो, थोड़ा बहुत कंप्यूटर लिटरेट हैं आप, तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्कूल की लोकेशंस कौन कौन सी हैं, स्कूल्स आर लोकेटेड इन द फॉलोइंग विलेजेस अंडर द तहसील गढ़ी यासीन, खैरपुर, डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर, गढ़ी साहिब खान, कबालो, सारे स्कूल्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। नंबर 2 है गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सामी तालुका सोहबतपुर डिस्ट्रिक्ट खैरपुर, ठीक है ना। और नंबर 3 ये है यहाँ पे नुमाइश कॉलोनी ओल्ड सक्खर, सारे इस तरह के सारे स्कूल्स ये लिखे हुए देख सकते हैं आप, लोकेटेड इन द फॉरन विलेजेस तहसील कश्मोर कंदकोट, इस सारे इसके स्कूल्स लिखे हुए। और एज की जो लिमिट है वो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, 35 साल तक लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो 16 साल का या मास्टर्स किया हुआ हो, और आपकी उम्र अगर 18 से शुरू हो रही है या 20 से शुरू हो रही है, तो आप 35 साल तक आराम से इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कूल प्रिंसिपल का हो गया। इसी तरह से मैं HST की बात करता हूँ, हायर स्कूल टीचर है या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, तो इसके अंदर देख सकते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अंदर इसमें आई नहीं, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, जो भी है जिसमें आपने HST है, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं आप, लाइक अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो कंप्यूटर पढ़ाएगा, या बॉटनी जियोलॉजी या फिजिक्स में किसी ने MSc किया हुआ है तो वो HST में जो है वो सूटेबल रहेगा। देख सकते हैं इसमें मास्टर डिग्री मांगी हुई है और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन रेलेवेंट फील्ड फ्रॉम HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें देखें सिर्फ मास्टर्स डिग्री मांगी हुई है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि /बैचलर्स डिग्री, तो याद रहे बैचलर वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इसमें स्लैश नहीं लगा हुआ। अगर स्लैश लगा होता तो इसी तरह जैसे ऊपर देख सकते हैं स्लैश लगा हुआ है और लिखा हुआ है 6 ईयर्स की एजुकेशन जो है वो वाला इक्विवेलेंट है, अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे स्लैश नहीं लगा हुआ, यहाँ पे सिर्फ मास्टर्स डिग्री वाला अप्लाई कर सकता है, ध्यान रहे। और यहाँ का एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हैं 2 से 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए, और कंप्यूटर में मांगा हुआ कंप्यूटर स्किल्स हों, उसमें भी स्कूल की जो लोकेशन है उसमें सारी यही है जो लिखी हुई है। इस तरह से JEST है, जूनियर स्कूल टीचर है JEST, और बैचलर्स डिग्री इसमें मांगी हुई है, और बैचलर्स डिग्री आपकी कोई भी हो, लाइक 4 साल की हो, 2 साल की हो, ठीक है ना, वो मैटर नहीं करता, सिर्फ बैचलर्स डिग्री इसमें रिक्वायर्ड है लिखा हुआ है रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से HSC से। अच्छा, 2 साल का इसमें तजुर्बा मांगा हुआ है, और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि इसमें भी ये स्कूल्स हैं जो लिखे हुए हैं ऊपर, क्यों यहाँ लगे। अब एक आई है मास्टर ट्रेनर इन एजुकेशन, मतलब इसमें मास्टर्स डिग्री है, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रेलेवेंट फील्ड फ्रॉम, इसमें भी देखें सिर्फ मास्टर्स वाली अप्लाई कर सकते हैं, और 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए रेलेवेंट, जिसमें आपकी ट्रेनिंग वगैरह के सेशन वगैरह आपने किए हो। और देख सकते हैं स्कूल इसमें मिलेगा आपको गवर्नमेंट स्कूल नुमाइश कॉलोनी ओल्ड सक्खर का, सही सक्खर के लिए बेसिकली, ठीक है। तो ये है हमारी टीचिंग जॉब। अब आप पूछ रहे होंगे कि यार इसमें अप्लाई किस तरह करना है, तो अप्लाई की मैं आपको बता चलता हूँ किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है SRSO प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल क्वालिफाइड मेल एंड फीमेल इंक्लूडिंग फिजिकल चैलेंजेस एंड कैंडिडेट्स वुमेन माइनॉरिटीज इनकरेज टू अप्लाई, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई TA DA नहीं मिलेगा, जो शॉर्टलिस्ट होगा उसको जो है वो IBA के थ्रू टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्लीज सेंड योर अपडेटेड CV टू द HR डिपार्टमेंट ऑनलाइन एट www.sraso.org.pk, ठीक है, लिंक फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज गिवन बिलो लेटेस्ट अपडेट बाय June 27। लास्ट डेट जो है इसकी वो 27 जून 2022 है, तो ये याद रखिएगा। और जो रिटन टेस्ट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू IBA
टेस्टिंग सर्विस आईबीए का जो एसटीएस है वो लेगा, जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको जो है वो आईबीए टेस्ट उनका कंडक्ट करेगा। अब अप्लाई कैसे करना है, ये इसमें लिंक लिखा हुआ है अप्लाई करने का, ठीक है। तो अब आपने देखना है किस तरह अप्लाई करना है। तो आप अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। आपने जाना है अपने मोबाइल स्क्रीन गूगल पे चले जाएं, या अपने लैपटॉप या पीसी जो भी है आपने गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन पे यहां पे लिखना है आपने एसआरएसओ कैरियर्स। जैसे एसआरओ कैरियर्स करेंगे, इंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ पेज खुलकर आ जाएगा। तो आप कुछ ने कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख सकेंगे यहां पे आपको ये जो है पहला ऑप्शन आ रहा है कैरियर्स एसआरएसओ। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ये इस तरह का इनकी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, कैरियर्स में आप आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पे इन्होंने जो है वो इस तरह से इनकी और भी जॉब्स आई हुई ऊपर है, देख सकते हैं ऊपर। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सबमिट अप्लाई। अगर यहाँ इस वाली जॉब्स में अप्लाई करना है तो सबमिट योर सीवी ऑनलाइन हो जाएगा। इस तरह से अगर आपने तो जाहिर बात अप्लाई करना है, किसके अंदर करना है, टीचिंग में करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर लिखा हुआ है कि सबमिट योर सीवी। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे सबमिट योर सीवी पे, तो आपके पास फिर इस तरह का जो है वो पेज खुलकर आ जाएगा। इसमें पेज में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपका जेंडर है, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे मेल या फीमेल जो भी है। अपना नाम आपने पूरा लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है, आपने आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपने वहां पे वो रखनी है। और याद रहेगी जो पोजीशन है ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ठीक है। कास्ट लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, वो मोबाइल नंबर लिखना है जो कन्वर्टेड ना हो, सीएनआईसी लिखनी है। इसी तरीके से आपने क्वालिफिकेशन वगैरह लिखनी है, डोमिसाइल आपका जो भी है कराची है, हैदराबाद है, जो भी है वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे स्कूल लिखे हुए हैं, यहाँ पे वो सिलेक्ट करने हैं आपने जिस पोजिशन के लिए अप्लाई करने हो। नेक्स्ट, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरा फॉर्म पेज खुलकर आ जाएगा। उसके अंदर आपसे आपकी एक पिक्चर मांगी हुई होगी, पिक्चर आपने वहां अपलोड करनी है। और दूसरी चीज आपकी एक सीवी मांगी हुई, अपडेटेड सीवी। और आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका कोई ब्लड रिलेशन जो है वो किसी ने काम किया है एसआरएसओ में पहले, नहीं किया तो आप वहां पे किया हो तो आप यस लिख दिएगा, नहीं किया तो वहां पे आप नो लिख दिएगा। इसी तरीके से जो है वो बस अप्लाई कर दिएगा और सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ जाएगा योर रिस्पॉन्ड हैज बीन सबमिटेड। तो इस तरह से ये जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो जो है वो काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या परेशानी है, आपका अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। जल्द से जल्द इसमें अप्लाई करते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि काफी बच्चे रो रहे हैं जिनका जीएसटी में नहीं हुआ, जिनका चेस्टी में नहीं हुआ, जो वेटिंग में चले गए। तो मैं समझता हूं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आई होप तो इस वीडियो को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Subscribe, subscribe, subscribe.